नील गाय भी आपस में इतने भारी दुश्मन हो सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि आज सुबह मैं अपनी भैंस के लिए चारा काट लेता हूँ। चारा काटने के बाद मैं भैंस को चारा डाल देता हूँ। चारा डालने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने खेत में सरसों इकट्ठी करने। सरसों इकट्ठी करते करते थक जाता हूँ, पेड़ की छाया में आकर बैठ जाता हूँ। तब नील गाय के चिल्लाने की आवाज आती है। तो मैं वहाँ पास जाकर देखता हूँ तो दो नील गाय आपस में लड़ रहे थे। मारकर उस नील गाय को हटा देता हूँ। पानी में बैठा नील गाय बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। अभी मैं वहाँ से दूर चला जाता हूँ ताकि वो मुझसे डरे ना। थोड़ी देर बाद वो नील गाय भी उठकर चला जाता है। तो वहाँ जाकर देखता हूँ तो वहाँ पर पानी में खून ही खून हो रहा था।